नमस्ते दोस्तों, चलिए आज आप लोग को बोनगा में शिव मंदिर का दर्शन कराते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे और यूजफुल लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। 2 महीने के बाद तबीयत खराब थी हमारी, जिस वजह से वीडियो दे नहीं पाए हैं। अब हम शुरू किया है, थोड़ा सा सुस्त है तो अब देना शुरू किया है। चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। ई रिक्शा मिल गए थे, बैठ गए दोस्तों। हम स्टेशन की तरफ जाएंगे, लोकल ट्रेन जहाँ मिलती है वहाँ से बैठ के निकलेंगे मंदिर की ओर। आप लोग को शिव मंदिर दिखाएंगे। उस बार भी हमने वीडियो बनाया है वहाँ पर, काफ़ी रात हो रही थी तो छूट गया, पहुँच पाए। ये नज़ारा है, देख सकते हैं साइड में सब सब्जियाँ लगती है, इस तरीके से सब्जी फल वगैरह सब मिल लगता है। भगवान जी का फूल सब मिल जाता है। इतनी उमस है दोस्तों, बाप रे बाप। दोस्तों ट्रेन मिल गई, सीट नहीं मिला है, देखते हैं। अभी एक बहन से कहा है तो वो जो है 12 साल में कर जाएगी तो सीट पे बैठ जाएंगे। दोस्तों बोनगा आ गए, चलते हैं फिर। बोनगा स्टेशन है ये, देख सकते हैं। चलिए फिर आज बताएं, बहुत बड़ी हमसे मिस्टेक हो गई पहली बार। जैसे कि हम ट्रेन में बैठ गए थे, हमने सोचा था ये बोनगा तक की जाएगी, वो जो है फिर अशोक नगर में आगे नहीं गई। उसके बाद फिर हमको उतर के दूसरा चेंज करके आना पड़ा, जिसकी वजह से लेट हो गए। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्टेशन है बोनगा। इस तरीके से काफ़ी बड़ा स्टेशन है, यही लास्ट है, बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर समझ लीजिए, यही लास्ट है। चलिए यहाँ से रिक्शा कर लेंगे, ई रिक्शा कर लेंगे। चलिए ये है तो इस समय मंदिर खुला नहीं है। हमने किसी से पूछा, शिव मंदिर हम जाने वाले थे तो मंदिर खुला नहीं है, तो आप लोग को हम लेके चलते हैं बॉर्डर दिखाने, ले चलते हैं बांग्लादेश का बॉर्डर। मंदिर अभी बंद है तो फिर हम यहाँ पे कब तक करेंगे, तो हम आप लोग को लेके चलते हैं बांग्लादेश के बॉर्डर। ये बोनगा का मार्केट वगैरह है रास्ते के ऊपर, देख सकते हैं। अभी शाम से अच्छा मार्केट लगेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं बोनगा का रोड कितना सुंदर अच्छा बना हुआ है, साफ सुथरा, कितना अच्छा हरा भरा। और बगल में भी रोड है, वो भी काफ़ी हरा भरा बना हुआ है, देखने में भी सुंदर लग रहा है। नीट एंड ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन ही ग्रीन है सब। अगल बगल बांस के पेड़ लगे हुए हैं, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, साफ सुथरा बिल्कुल। दोस्तों इस समय जो है हम बांग्लादेश के बॉर्डर में ही हैं, और हमने थोड़े बहुत रिक्शा मैन वैनमैन से भी पूछा है तो वो लोग भैया लोग बता रहे हैं इस समय बहुत गर्मा गर्मी है, हालात सन्नाटा है, और मतलब वहाँ से आने को नहीं दे रहे हैं कि जाने को नहीं दे रहे हैं, और जैसा होगा आप लोग को हम बताते हैं। ये है बांग्लादेश का बॉर्डर, देख सकते हैं। पूरा रिक्वेस्ट करेंगे सर जी से,
ये है। पहले हम उस बार आए थे बॉर्डर में सब वीडियो बनाने, कितना ज़्यादा रश था, और आज रश ही नहीं है, देख सकते हैं इस तरीके से। ऐसे हमको देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है बहुत बड़े मीडिया वाले नहीं मीडिया वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो अपना इलाके का दिखाएंगे, हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं। ये सब भैया लोग हैं, रिक्शा वैन वगैरह भैया लोग। आप लोग रिक्शा वैन ही तो चलाते हैं ना? अरे कूली का काम सभी करते हैं, हम भी कूली का काम कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं ठीक है। हाँ चलिए, ये लोग बता रहे हैं बहुत सन्नाटा है, मतलब उन लोग भी, उनका भी बिजनेस नहीं चल रहा, ये समझ लीजिए कुछ खराब, बहुत माहौल खराब है, माहौल यहाँ का बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए हम लोग सभी एक ही है। हाँ ये इस तरीके से है, देख सकते हैं खूब चुपचाप है, काम नहीं है, उन लोग भी परेशान हैं। हम BSF सर जी यहाँ पे थे, तो हमने सब परमिशन ले लिया है कि हम वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं और थोड़ा सा हम वीडियो बना सकते हैं। तो अगले ने कहा, मतलब सर जी ने कहा कि हाँ आप बना सकती हैं, तो वही हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। माहौल गर्म तो है ही है। खैर ये सब इतनी भीड़ रहती थी पिछले बार हमने वीडियो बनाया था। देख सकते हैं BSF की बहुत तगड़ी भीड़ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे शक्ति है, सन्नाटा बहुत तेज़ी से है और बहुत शक्ति, मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति। तो फिर पूछ रहे कहाँ से आए, हमने कहा हम यहीं के रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं मतलब आगे जाने नहीं दे रहे, पिछले बार हम आगे तक की वीडियो बनाया था। और इस तरीके से देख सकते हैं बहुत, मतलब जो जिसको जाना है वो जा सकते हैं, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। बहुत ज़्यादा मतलब शक्ति है इस तरीके से और सन्नाटा छाए हुए हैं, देख सकते हैं आप ये सब ट्रक देख सकते हैं। और ये जो है मतलब बांग्लादेश पहुंच गई थी, वो सब इंडियन के लिए आ रहे हैं तो उनको आने दे रहे हैं, बहुत खास खास को ही विज़िट किया जा रहा है। और आगे जाने को नहीं मिलेगा, देख सकते हैं बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। तो यहाँ के जो एम्प्लॉई है, बॉर्डर के जो एम्प्लॉई है, कुछ जो आप सिविल ड्रेस में देख सकते हैं, तो हमसे कहने लगे कि दीदी आर जावा जावे ना, मतलब और आगे मत जाइए, मना कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते कितना सन्नाटा है, पता है कितनी भीड़ रहती थी और कितने ठेले लगे रहते थे खाने पीने का, फल फ्रूट का, और आज बिल्कुल सन्नाटा है, मातम ऐसे लगा हुआ है, देख सकते हैं। ईश्वर से प्रे करेंगे हम सभी लोग, बहुत शांति का माहौल बना रहे। ये देखिए आज कैसे सन्नाटा छाए हुए, ये सब सीट बहुत भरी रहती थी। दोस्तों जरा बताइएगा ये फल कौन सा है, हम तो पहली बार देख रहे हैं। ये बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ ही लगा हुआ है पेड़, ये कौन सा फल है हम तो पहली बार देख रहे हैं। ये पत्ते ऐसे लंबे लंबे, ये सब दुकानें कितनी भीड़ रहती थी, इस समय कुछ नहीं है। दोस्तों इस समय जो है हम बांग्लादेश, हम कोलकाता में रहते हैं, बांग्लादेश का बॉर्डर तक ही आए थे, मंदिर तक ही आए थे, तो बॉर्डर भी हमने थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, सन्नाटा है जो भी है। तो आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिएगा और
ठीक है, वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोग खूब हंस खुश खुश रहिएगा, वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। देखिए इस समय तबीयत ख़राब थी जिस वजह से वीडियो नहीं दे पाए हैं, और हमें जॉब पे भी जाना रहता है तो बीच बीच में आता रहेगा। तो आप लोग जो है इनको शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। नमस्ते।